लोग कह रहे थे, तो आज हम लोग खेल रहे हैं TDM विद एक कस्टम, मतलब कस्टम बना के खेल रहे हैं। और आज हम लोग कर रहे हैं नेट चैलेंज। और आज हम लोग, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि नेट चैलेंज कैसा होता है, तो हम बता ही देते एक बार। नेट चैलेंज हम लोग नेट से मारेंगे पूरा एकदम, मतलब बम फेंका फेंकी होगा, मतलब रेड जोन ही बन जाएगा। रेड जोन बनता नहीं है ना टीडीएम में, तो आज हम लोग बना रहे हैं रेड जोन। और साथ ही साथ आज हम लोग कार नाइन चैलेंज कर रहे हैं। देखें भाई मैं कैसे मर गया, और मैं करूँगा थर्ड क्लास कमेंट्री बीच बीच में कहीं 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 जब जरूरत पड़ेगा। और मैं यहाँ पर अपना गन वन फेंक देता हूँ, क्योंकि उसे लगे ना कि मैं गन से मारूँ। और वो भाई मेरा ही टीम मेट है, मतलब मेरा ही साथ खेलता है भाई। हम लोग कस्टम खेल रहे हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग भी कस्टम खेलते हैं। और आपको मुझे कुछ ज़्यादा ही पता। और देखिए भाई क्या क्या है भाई, अपने ही हाथ में नेट फोड़ लिया। और मैंने फोड़ा था, ऐसा बात नहीं है, मैंने उसको मारने के लिए बोला, पर वो तो मेरे ही हाथ में, मतलब अपने ही हाथ में फोड़ लिया। और तो भाई देखिए क्या हो गया, बूम भाई, इसी के साथ हो गया मेरा वन किल। तो भाई इसी बात के लिए लाइक कर दे, आज का लाइक टारगेट है 5 लाइक का टारगेट है, तो भाई इसको प्लीज़ कम्प्लीट कर दे, 5 लाइक का टारगेट है। और तो भाई मैं यहाँ से राइट से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर बंदा मुझको पता था। और भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ आया तो वो भी यहीं आ गया। और नेट उखाने के चक्कर में ना क्या, वो एक बहुत बड़ा गलती हो जाता है, पर टेंशन की बात नहीं है, अपना ही सही है, अपना ही फायदा है। और मैं 2 मिनट के लिए वॉइस ओवर बंद करता हूँ, क्योंकि पीछे बहुत गंदा बैकग्राउंड आ रहा है यार, मतलब ना, मतलब भसड़ मच गया पीछे, तो इसलिए मुझे बैकग्राउंड बंद करना होगा। और मतलब मैं वॉइस ओवर करूँगा बीच बीच में, और आप खाली देखे वीडियो का मजा ले। तो भाई मेरा बंदा यहाँ से घूम के जा रहा था, तो मैं उसे सोच रहा था कि उसको नेट करूँ, पर भाई पीछे जाके पंच मार देता था, और मुझे वही खराब लगता है। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि चिकन लेना अपना ही होगा। पर भाई मेरा अच्छा बंदा है यार, उसको छोड़ देना, उसको कुछ मतलब बोल बोल मत देना, अच्छा बंदा, अच्छा खेलता है यार, वो मजा कर रहा था। और उसे भाई मैं TDM खेल रहा हूँ, ये कस्टम किस लिए खेल रहा हूँ, फोन के लिए, ना कि सीरियस खेलता हूँ मैं, आज तक कोई गेम सीरियस नहीं खेलता हूँ। खेलता हूँ तो वो बस 1-2 मैच, और भी अपना टीम मेट के साथ। भाई टीम मेट अच्छा है यार, मैं उसका चैनल है INDI गेम, उसको सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मैं 2 मिनट के लिए वॉइस ओवर कर, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट के लिए अपना वॉइस ओवर करता हूँ, कि फिर जाके मैं स्टार्ट करूँगा। तो भाई बता देना कैसा लगा, जो गंदा ही लगा। और भाई मन कर रहा है ना भाई कार नाइन चैलेंज अभी से शुरू कर दे, क्योंकि मुझको कार नाइन सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट है। चलते चलते हेडशॉट मारना, उसे मैं कार नाइन चलाता हूँ। और सर मुझे फेवरेट है मेरा M4+6X भाई, मक्खन यार कितनी डेंजर है। और मुझे कार नाइन भी चलाना अच्छा लगता है, पर मैंने अभी जायरोस्कोप ऑफ कर दिया, क्योंकि भाई देखो कार नाइन जब मैं स्नाइपर भी रहूँ और 6X भी चलाता हूँ M4, तो मुझको जायरो बंद करना होगा। तो भाई क्योंकि देखो मैं ज़्यादातर, मतलब कार नाइन मिलता तो मैं ले लेता हूँ, और M4 मिलता तो M4 ले लेता हूँ। मेरे पास AK है और कार नाइन तो मैं AK को फेंक दूंगा और ले लूँगा M4, क्योंकि भाई मुझको ना AK से ज़्यादा प्यारा लगता है M4। और तो भाई यहाँ पर मेरी गलती थी, क्योंकि उसने मुझसे पहले ही मतलब बम, मतलब घिंचना या पिन घिंचना स्टार्ट कर दिया था, उसका पहले से टाइम चल रहा है, और मेरा थोड़ा लेट से होता है। यहाँ पर मेरी ही गलती है, पर कोई बात नहीं, कार नाइन चैलेंज में आप देखिए कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि यार ये बोरिंग है भाई, कार नाइन चैलेंज देखने में बहुत ही मज़ा आया यार। पर मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, पर वीडियो कट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको थोड़ा मज़ा आ जाए, पर मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा।
मैं आप करूंगा मकान एंड डिटेल में, बता देना कैसा लगा भाई। देखते रहे किस तरह से मैं मकान एंड डिटेल का पट्टा से देता हूं हेडशॉट। देखो भाई मैं विदाउट स्कोप कोई मार सकता हूं इजीली। देखो भाई जैसे कि अभी पड़ी है पट्टा से हेडशॉट, और भाई यहां पर पट्टा से हेडशॉट लिखा है नहीं, पर कोई बात नहीं। और भाई इसी तरह की वीडियो देखना है तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और भाई मजा आ गया सच में मार के, मैं एक और मकान एंड डिटेल चैलेंज करता हूं। चुक जाता है, नहीं तो मैं उसको फिनिश कर देता, उसको हेडशॉट पड़ता। तो वही बता दो कैसा लगा एक और हेडशॉट, पर इसने भी हेडशॉट नहीं आया, पर मैंने उसे डैमेज दे दिया था तो इसलिए उसका हेडशॉट नहीं आया, बॉडी शॉट पड़ गया, पर कोई बात नहीं। सीन बता देने ये वाला सीन कैसा लगा, पैर में जो शॉट लगा और इसको मैंने कैसे मतलब घूम फिर के मारा भाई, मजा आ गया भाई। इसके लिए भाई एक और प्लीज हो सके तो इसके लिए मैं एक और बोल देता हूँ, 5 लाइक का टारगेट है इसके लिए, कर दे यार प्लीज भाई, क्या मारा मैंने। पर मैं जीत जाता हूँ क्योंकि देखो मैं टाइम करना 2-1 और पहुंच गया मैं चिकन डिनर विक्टोरिया, सॉरी चिकन डिनर नहीं होता है विक्टोरी होता है। तो मैं डायमंड फाइट में आ गया हूँ और केडब्ल्यू का स्किन मिल गया।